लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बस मुझे ये बताओ कि उसने अपनी आंखों से विजय को देखा या नहीं। बिल्कुल देखा के भाई, बिजली की कौन वे लपालप चेहरा देखा अपने दुलारे भाई का। वाह बाबूराम वाह, तो वो नारू खत्म हो गया जो कभी पैदा ही नहीं हुआ था। बस यही चाहता था मैं कि प्रोफेसर खुद अपने पर वार करते हुए अपने भाई को अपनी आंखों से देखे। अब अगर विजय जिंदा बच भी गया तो फांसी के फंदे से नहीं बच सकेगा। चक्कर ने फोन करके आपको तुरंत बुलाया था। यह फोन खुद चक्कर ने किया था। देखिए आपके घाव से यह तो साफ है कि उस आदमी ने आप पर बहुत नजदीक सवार किया है। क्या आप उस आदमी को पहचान सकते हैं? ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आप? कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? बोलिए ना। डॉक्टर, डॉक्टर! भाभी, भैया। डॉक्टर साहब कैसे हैं वो? क्या हुआ उनको? ठीक तो है ना वो? घबराइए नहीं, उस किस्म का कोई खतरा नहीं। मगर वो बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? मिस्टर निर्भय बोलने की ताकत खो चुके हैं। अभी देखिए, खून काफी बह जाने की वजह से दिमाग की ब्रोकास एरिया, जहां से बोलने की ताकत का नियंत्रण होता है, उस एरिया की ब्लड सप्लाई बंद हो गई है। उसी वजह से उनके साउंड बॉक्स पर असर हुआ है और आवाज चली गई है। मगर सही ट्रीटमेंट देने पर धीरे धीरे ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगी और आवाज आ जाएगी। मगर कब? टाइम पीरियड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं उनसे कब मिल सकता हूँ? फिलहाल उन्हें होश में आने में करीबन 4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है वर्मा। यस सर। आसपास नजर रखो, मैं बाद में आता हूँ। ये सब साजिश है किसी की। पहले मुझसे जेवर के रुपए छीन लिए गए, मैंने बहुत ढूंढा उस आदमी को लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। ये बात मैं आपको कैसे बताता? घर की इज्जत दांव पर लग गई थी। शायद उसे बचाने के लिए आपको किसी के सामने सर झुकाना पड़ता। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार था और किसी ने मेरी हालात और बेबसी का फायदा उठाया। धोखे से मेरे हाथों आपको बरमाने की कोशिश की किसी ने और मैंने ये क्या किया?
है पागल, दिल छोटा मत कर। तेरे भैया की आवाज हमेशा के लिए थोड़ी गई है, डॉक्टर ने कहा है धीरे धीरे आवाज आ जाएगी। भाभी, पापा मैंने होमवर्क भी कर लिया है और दूध भी लिया है और मैं उनको तंग भी नहीं करती, बोली ना पापा, उनसे बात कीजिए ना पापा। पापा मैं आपकी हर बात मानूंगी। पापा बोलिए ना पापा। पापा आप मुझसे बात कीजिए ना। मम्मी पापा के सबसे नाराज हैं। नहीं बेटे, तेरे पापा किसी से नाराज नहीं है, हम में से किसी से भी नाराज नहीं है। एक बेदर्दी ने इनकी आवाज छीन ली, इसी वजह से हम सबकी आंखों में आंसू हैं। हे भगवान, उसे कभी सुखी नहीं रखना जिससे तेरे पापा की आवाज छीने, उसे कभी। पुरानी रोशनी में और नई में फर्क इतना है, उसे कश्ती नहीं मिलती, इसे साहिल नहीं मिलता। एक बात तो साहस के साथ मैं कहूंगा कि बहाव भटक सकता है, बहक सकता है, दिशाहीन हो सकता है, लेकिन बहाव ही कुछ बदल सकता है, क्रांति ला सकता है, पड़ाव नहीं। अपनी जमीन, अपना आकाश पैदा कर, अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से जिंदगी कब मिलती है दोस्त, अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर। कहाँ चले गए? रख दो। इंस्पेक्टर भाटकर बोल रहा हूं। हाँ इंस्पेक्टर, मैं ठक्कर, हरीश ठक्कर बोल रहा हूं, प्रोफेसर निर्भय सक्सेना का दोस्त। मिस्टर ठक्कर बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? देखिए इंस्पेक्टर, आप पहले मेरी बात अच्छी तरह सुन लीजिए, वरना वो लोग किसी भी वक्त मुझ तक पहुंच सकते हैं। आप मुझे जल्दी बताइए, बोल कहां से रहे हैं? मैं यहां अक्सा गांव माडर से बोल रहा हूं। अदरे, यस सर, फॉरन पेट्रोलिंग तेरे को कवर करो, अक्सा गांव मोड़ स्पॉट करें जल्दी। यस सर। हाँ बोलिए मिस्टर ठक्कर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे धमका कर निर्भय को मेरे घर बुलवाने की साजिश रची गई थी, उन लोगों ने मेरे सर पर रिवॉल्वर रखी थी। मैं
मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो दोस्त है मेरा, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। चल नंबर घुमा। 626-3107। और जैसा कहा है वैसा बोल, नहीं तो तेरा सर। हाँ निर्भय, मैं ठक्कर बोल रहा हूँ। घबरा के नहीं, घबरा के नहीं। देखो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम फौरन मेरे घर आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग रहा हूँ। राठ कर डाल साले को कहीं में। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो छोड़ो मुझे। हेलो उधर जाओ। हेलो, क्या पुलिस? ठीक है हाँ। hey, कहाँ जा रहा है? हाँ के क्यों छुपाया ठक्कर को तुमने? कहाँ रखा है उसे? कौन ठक्कर? किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे आदमी उसे यहाँ उठाकर लाए हैं। तुम ठक्कर से क्या चाहते हो? अच्छा, उसे मेरे आदमी यहाँ उठाकर लाए हैं? यहाँ? तो ठीक है, जाकर ढूंढ लो। जाओ। मिल गया ठक्कर। तुम्हारे आदमी ठक्कर को यहीं लेकर आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तो मेरी शराफत है कि मैं तुम्हें यहां अंदर आने दिया, और तुम मुझ पर किसी के किडनैपिंग का बेहुदा इल्जाम लगा रहे हो। इसके लिए मैं तुम पर कानूनी कार्रवाई। इल्जाम तुम पर कुछ गलत नहीं लग रहा के? ठक्कर फोन पर मुझे उस आदमी के बारे में सब कुछ बता रहा था, तभी उसे उठवा लिया गया। वो यही है इंस्पेक्टर, उसे यही छुपाया गया है। मैंने भी उसे यहां ढूंढा है, फिर भी मैं तलाशी का वारंट लेकर यहां। तब तक बहुत देर हो जाएगी। ठक्कर को मार दिया जाएगा और इस कमीने का चेहरा कभी बेनकाब नहीं होगा। देखो मैं इंस्पेक्टर का लिहाज कर रहा हूं, वरना क्या करेगा तू? ये तरीका ठीक नहीं मिस्टर विजय। देखो मैं कानूनी तौर पर। बस कीजिए इंस्पेक्टर, आपने कायदे और नियमों की भेड़िया पहन रखी है और जुर्म सरेआम सड़कों पर नंगा नाच रहा है। के ठक्कर अगर जिंदा नहीं मिला तो तेरी गर्दन कानूनी फंदे की पकड़ में नहीं, मेरे पंजों की पकड़ में होगी। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा।